अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं, जो इसमें आसान तरीके हैं कीवर्ड रिसर्च करने के, जिसमें आप अगर कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई आप यूट्यूब की वीडियो डाल रहे हैं या आप किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उस पर आप कीवर्ड्स उसके लिए कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज के छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा, तो आप वहाँ से ईजिली कीवर्ड रिसर्च अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कीवर्ड्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और दूसरे होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से इसको आगे चलाते हैं इस टॉपिक को, कि एक्शन कैमरा, एक एक्शन कैमरा एक कीवर्ड है। अब एक्शन कैमरा जो, इसको हम कहेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड, क्योंकि सिर्फ एक एक्शन कैमरा एक ब्रॉडर कीवर्ड है। इसको अगर हम नैरो डाउन करते हैं तो इसमें आएगा बेस्ट एक्शन कैमरा इन 2019, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो ये जो दो तरह के कीवर्ड्स हैं, इसमें आप लोग जिस कीवर्ड को सर्च करेंगे वो होंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। एक्चुअली जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो तीन से ज़्यादा कीवर्ड्स पे बेस करते होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे कीवर्ड होते हैं, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, उस पर लोगों ने ऑलरेडी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो रैंक हुई भी होती हैं, या उसको उसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा होता है कि आप उस पर रैंक नहीं हो सकते, या हो भी सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। लेकिन जो नया बंदा जो स्टार्ट कर रहा होता है, व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा होता है या यूट्यूबिंग स्टार्ट कर रहा होता है, तो उसे जो कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आर्टिकल्स को, अपनी वीडियोज़ को सपोर्ट देने के लिए। तो आप वो कीवर्ड्स किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो चार जगह हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, पहले नंबर पे जो आसान जगह है कीवर्ड सर्च करने की, उसमें ये है कि जो आपने गूगल की सर्च देखी होगी, आप डेली बेसिस पर काफ़ी सारी सर्चेस करते होंगे गूगल पे, तो आपने सर्च की होगी अगर आप एक्शन कैमरा को गूगल पे सर्च करें जाकर अभी, तो आप स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे आएंगे पेज के एंड में तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 6-7-8 कीवर्ड्स आपको गूगल सजेशंस में शो करवा रहा होगा। तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो एक्चुअली आपको सजेशंस हैं और वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही शो कर रहा होगा। उन कीवर्ड्स को आप दोबारा सर्च करके उस तरह की और एग्जांपल्स ले सकते हैं, सजेशंस आपको गूगल शो करेगा। इस तरह से आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो गाइस, कीवर्ड प्लानर से भी आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और उसमें वेरिएशंस काफ़ी सारी मिल जाती हैं आपको कीवर्ड्स की, और उसमें आइडियाज़ भी डिफरेंट किस्म के मिल जाते हैं, और साथ में उसका जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, वो भी आपको बताता है कीवर्ड प्लानर जो है। तो इसके अलावा गाइस, एक और जो टूल है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, उसका नाम है उबर सजेस्ट। तो गाइस, उबर सजेस्ट पे भी आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं अपना, आप वहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड डालेंगे मेन कीवर्ड, वो आपको उसके काफ़ी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिखा देगा। और उसमें एक और ऑप्शन है, उसमें ये कि आप अपने कंपेटिटर के कीवर्ड्स भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने कंपेटिटर की जो वेबसाइट है उसका लिंक आप उसके सर्च बार में डालेंगे और उसके साथ में ही आपको एक अलग से एक ऑप्शन, एक पूरा एक सेक्शन मिलेगा जिसके अंदर आपके जो कंपेटिटर्स हैं उसको जिन जिन कीवर्ड्स से ट्रैफिक आ रही है, जो टॉप कीवर्ड्स हैं, वो आपको शो हो जाएंगे। और आप अगर उन कीवर्ड्स पर अपने आर्टिकल लिख के रैंक करवाना चाहें तो आप उससे इजीली करवा सकते हैं। जो एक और वेबसाइट है हमारे पास, वो उसका नाम है आंसर द पब्लिक। तो गाइस, आंसर द पब्लिक के अंदर भी जब आप अपना एक मेन कीवर्ड डालेंगे उसमें आपको वो काफ़ी सारे कीवर्ड शो करेगा, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस बनाने के लिए और टाइटल बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आप उसको देखें, जो मैं अपनी स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये भी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिससे आप इजीली काफ़ी सारे कीवर्ड्स को ग्रैब कर सकते हैं। तो गाइस, एक और वेबसाइट है कोरा.com, जो कि आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा सुनी होगी। उसमें आंसर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन पे लोग आंसर देते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स आप लोगों को मिल जाते हैं, आप वहाँ से कीवर्ड्स उठा के सेम वैसे ही, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई अगर आपको क्वेश्चन मिला है उसके आपके पास आंसर्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने आर्टिकल के अंदर उस क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं, उन आंसर्स को भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको कंटेंट के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं कोरा.com से। तो गाइस, जब भी आपने कोई आर्टिकल लिखना है उसके लिए जब आप एक कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसके इसी तरीके से आपने जो मैंने अभी सर्चेज और जो प्लेसेस बताई हैं, ये प्लेसेस से आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स का एक कलेक्ट कर लेंगे। तकरीबन आपके पास 100-150 कीवर्ड्स होने चाहिए जब आप एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए जा रहे हो, तो डिफरेंट
कीवर्ड्स हो ताकि उसमें कुछ सपोर्टिव कीवर्ड्स भी हो, कुछ आपके जो मेन कीवर्ड्स हैं, कुछ शॉर्ट टेल, कुछ लॉन्ग टेल, सारों का एक मिक्सचर होना चाहिए आपके पास। तो जब आप आर्टिकल लिखें तो आपके पास कंटेंट के लिए जो आइडियाज़ हैं एक वो भी बढ़ जाते हैं कीवर्ड्स आने से, और साथ में जितनी वर्सेटिलिटी होगी आपके आर्टिकल के कीवर्ड्स के अंदर उतने ही आपकी ज़्यादा सर्च इंजन में चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे आपके आर्टिकल के शो होने के। तो गाइस ये एक छोटी सी वीडियो थी कीवर्ड सर्च के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।